नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज, सच्चाई के साथ। मैं बीच में नहीं बोलना चाह रहा था, पर आपने चार मिनट बोल दिया, मुझे भी चार मिनट चाहिए, मैं गिन रहा हूँ। नहीं, आप उनकी बातों का जवाब देना चाहते हैं? हाँ। आप सवाल पूछना चाहते हैं? मैं पहले उनकी बात ले जाना चाहती हूँ। मैं पहले उनकी बात का जवाब दूंगा, वैक्सीन की बात का। हाँ, उसका जवाब दूंगा। इस देश में अतीत में जितनी महामारियां फैली, कांग्रेस का शासन था, और आपके बाहों पे भी जो चवन्नी जैसा निशान होगा ना, वो कांग्रेस के शासन का निशान है। और ये भी बता दूं आपको, अभी तक जितनी सरकारें आई, सभी सरकारों ने मुफ्त टीकाकरण किया, मुफ्त। आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि पहली बार हो रहा है कि अगर टीका भी लग रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री जी की फोटो पहले दिख रही है कि भाई यही हैं, ये हैं करके आप बचे हो, ये नहीं रहेंगे तो। ये जबरदस्ती किसी के मनस में बिठाया जा रहा है कि ये हैं करके ये टीका आया। और टीका कहां बना? कांग्रेस के द्वारा निर्मित प्रयोगशालाओं में टीका बना है। आप भूल जाइए, आपने 7 साल में अगर एक नई प्रयोगशाला बनाई हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस देश में कोई नया काम, एम्स कांग्रेस की देन है, तमाम प्रयोगशालाएं कांग्रेस की देन है, मुझे खुशी है इस बात की, और कांग्रेस के शासन की देन है। लेकिन उससे बढ़कर यह बात है कि वो हिंदुस्तान की देन है, भारत की देन है। मुझे इस बात पर फक्र है। आप इसको किसी एक व्यक्ति का श्रेय मान रहे हैं कि उस व्यक्ति का श्रेय है। माननीय कौशिक जी, ये हमारी बाहों पर बने ये चवन्नी जैसे निशान ये दर्शाते हैं कि अतीत में भी ऐसी बीमारियां आई और उस समय की सरकारों ने बिना प्रचार के मुफ्त में पूरे देश के लोगों का टीकाकरण किया। अब आप विकास की बात कर रहे हैं, आप बड़े जोर शोर से कहते हैं कि ऋषिकेश से और कर्णप्रयाग की रेल लाइन हमारी उपलब्धि है, आपकी खाक उपलब्धि है। आप दूसरे के कामों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद दिला दूं, और यह कोशिश नहीं होनी चाहिए, हम इस कोशिश का पुरजोर विरोध करेंगे। आप विकास करिए, वो विकास कार्यों के नाम लीजिए, हमें खुशी होगी। लेकिन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन एंटनी जी ने उसका शिलान्यास किया, यूपीए 2 की सरकार में उसके लिए बजट पारित हुआ, काम चालू हुआ। अब आपके समय में वो पूरा हो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के कामों पर श्रेय मत लीजिए। केदारनाथ का पूर्ण निर्माण, मैं केदारनाथ का अध्यक्ष था, श्वेता जी मैं अध्यक्ष था वहां, और प्रत्यक्ष दर्शी हूं वहां का, और भगवान केदारनाथ की कसम खा के कह सकता हूं कि वहां जितना पूर्ण निर्माण हुआ, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में हुआ। और आप लोगों ने, पूरे देश को बताना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि राष्ट्रीय चैनल ने मुझे यहां पर आने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूंगा, अगर उस केदारनाथ में कुछ बदलाव हुआ तो यह हुआ कि कांग्रेस के समय के पुनर्निर्माण के कार्यों पर जो शिलान्यास के पत्थर कांग्रेस के नेताओं के लगे थे, आपके नेताओं ने आकर उन पत्थरों को साइड करके अपना नाम लगा दिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया आपने। तो यह विकास कार्य है, ये गहरी खाई है जिनको पाटना पड़ेगा। आपको इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। और इस प्रदेश अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।